माँ शैलपुत्री। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा होती है। इन्हें पार्वती और हिमवती भी कहते हैं। हिमवती इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पिता पर्वत राज हिमाचल हैं। इनके नाम का अर्थ है पहाड़ों की पुत्री होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, माँ के एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में त्रिशूल है। इनकी सवारी नंदी है। इनकी पूजा स्थापना की शुरुआत के लिए होता है। अपने अंदर के दुर्गुण को दूर करके अपने अंदर भगवान की स्थापना में लीन होने का प्रथम स्तर है, जो प्रथम दिन की पूजा से होता है। योगी पंडित अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान कर नवरात्रि में लीन होते हैं। शैलपुत्री माँ से जुड़ी कथा। पहले जन्म में माँ शैलपुत्री माँ सती थी। उनके पिता प्रजापति दक्ष थे। एक दिन दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें सारे राजा और सारे देवता को बुलाया, पर भगवान शंकर और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी माँ सती अपने पिता के घर जाना चाहती थी। वे अपनी माता और बहन से मिलने के लिए काफी व्याकुल थीं। भगवान शंकर बोलते हैं, मत जाओ वहां पर। सती माँ न मानती हैं और वह अपने घर चली जाती हैं। वहां जाने पर उन्हें खुशी नहीं मिलती है। अपने पति की बुराई सुनकर उनसे रहा नहीं गया। वह उस यज्ञ की अग्नि में जल कर मर गई। उसके बाद उनका नया जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनका पूजा होता है। इन्हें तपस्या चारिणी भी कहते हैं। इन्हें तपस्या चारिणी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने कठोर तपस्या की थी। इनके नाम का अर्थ है तप की चारिणी, अर्थात तप करने का आचरण करने वाली। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, एक हाथ में ध्यान माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। इन्हें सभी विद्याओं का दाता कहा जाता है। इनकी पूजा करने से त्याग वैराग तप सदाचार बढ़ता है और अहंकार ईर्ष्या समाप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ी कथा। माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ी कथा। इन्होंने भगवान शंकर से शादी करने के लिए कठोर तपस्या की थी बहुत वर्षों तक। नवरात्रि के दूसरे दिन उन कन्या की पूजा की जाती है जिनकी शादी ठीक है पर शादी नहीं हुई है। माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। इन्हें चंद्रघंटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ के माथे पर घंटे आकार का अर्धचांद है।
इनके नाम का अर्थ होता है चांद की तरह चमकने वाली, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। माँ के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में अस्त्र और शस्त्र हैं। इनका वाहन या सवारी सी है। इनकी पूजा से सारे कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य यश कीर्ति एवं सम्मान को प्राप्त करता है। माँ कुष्मांडा। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन इनका पूजा होता है। इन्हें कुष्मांडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है। इनके नाम का अर्थ होता है पूरे जगत उनके पैरों में है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। माँ की 8 भुजा है, इस कारण इन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। हाथों में कलश, कमंडल, फूल आदि है। इनका वाहन सी है। इनकी पूजा करने से आयु, यश, बल बढ़ता है और साथ ही सभी कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। माँ स्कंद माता। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इन्हें स्कंद माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्कंद या कार्तिक भगवान की माता होने के कारण इनके नाम का अर्थ कार्तिक स्वामी की माता होता है। इन्हें उमा और पदासन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि माँ के 4 हाथ हैं और हाथों में फूल, वर, मुद्रा आदि है। यह कमल और सी पर विराजमान होती हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माँ परम सुखदायी है। माँ कात्यायनी। माँ दुर्गा का 6ठा स्वरूप कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 6ष्ठ दिन इनकी पूजा की जाती है। इन्हें कात्यायनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि महर्षि कात्यायन की पुत्री हैं। इनके नाम का अर्थ आश्रम में जन्म होता है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। माँ के 4 जैसा कि चित्र में देख रहे हैं माँ के 4 हाथ हैं। हाथों में फूल, तलवार है। इनकी पूजा से धर्म, मोक्ष, काम की प्राप्ति होती है और जिन्हें विद्या चाहिए वे कात्यायनी माँ की पूजा करें। माँ कात्यायनी से जुड़ी कथा। महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की पूजा की थी। वह चाहते थे कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री बनकर आए। उधर महिषासुर के अत्याचार को देखते हुए भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों ने अपनी शक्ति से माँ कात्यायनी को उत्पन्न किया और ऐसे माँ महर्षि की पुत्री बनी। माँ कालरात्रि। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इन्हें शुभकारी भी कहते हैं। इनका नाम शुभकारी इसलिए पड़ा क्योंकि ये भक्तों के सुख फल देती हैं। इनके नाम का अर्थ है काल का नाश करने वाली। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं माँ के 4 हाथ हैं और हाथों में तलवार है।
इनकी सवारी गदहा है। इनकी पूजा करने से भक्तों को पाप और दुश्मनों से दूर रखती हैं। माँ काल रात्रि से जुड़ी कथा। रक्त बीज और शुभ निशुम के अत्याचार के कारण सब देवता माँ पार्वती और भगवान शंकर के पास जाते हैं और सब हाल बताते हैं। इनका वध करने के लिए माँ पार्वती काल रात्रि का रूप लेती हैं और इनका वध करती हैं। माँ महागौरी। माँ दुर्गा का आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के आठवें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनका नाम महागौरी इसलिए पड़ा क्योंकि शंकर भगवान इन्हें सदा गोरे रहने का वरदान दिया था। इनके नाम का अर्थ सफेद रंग की माँ होता है। इन्हें गणेश भगवान की माँ भी कहा जाता है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। इनके चार हाथ हैं और हाथों में त्रिशूल है। माँ का वाहन बैल है और सिंह भी है। इनकी पूजा करने से मनुष्य दुख पाप से दूर होकर पुण्य का अधिकारी हो जाता है। इस दिन कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है और इस दिन शादीशुदा औरतें अपनी पति की रक्षा के लिए पूजा करती हैं। माँ महागौरी से जुड़ी कथा। माँ महागौरी से जुड़ी बहुत कथा है, मैं एक बता देती हूँ। शिव जी माँ पार्वती को देखकर कुछ कह देते हैं और वो बातें माँ को लग जाती है। माँ कहीं जाकर कठोर तपस्या करने लगती है। भगवान शिव उन्हें खोजने जाते हैं पर माँ उन्हें जल्द नहीं मिलती हैं। जब माँ उन्हें मिलती हैं तो वे माँ पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके रूप को देखकर उन्हें गोरे वर्ण और चांदी की तरह चमकने का वरदान देते हैं। माँ सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा का नौवां स्वरूप सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के नौवें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनका नाम सिद्धिदात्री इसलिए पड़ा क्योंकि यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इनके नाम का अर्थ स्वर सिद्धि देने वाली होता है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। माँ की चार भुजा हैं और हाथों में कमल है। सिंह इनका वाहन है और कमल पे भी बैठती हैं। इन्हें माँ सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से लौकिक परलौकिक कामनाएं पूरी होती है। सिद्धिदात्री माँ से जुड़ी कथा। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ माँ सिद्धिदात्री की तपस्या से उनका आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का हो जाता है, इसीलिए इन्हें अर्धनारेश्वर कहा जाता है।